Hi, what's up? Welcome back to my vlogging channel, and I just hope you are perfectly fine. Happy New Year! ये कहूँगा सबसे पहले तो साल 2024 का ये first vlog है. आज मैं जाने वाला हूँ मसूरी साइड में, you know, देहरादून से क्लाउड्स एंड नाम की एक जगह पड़ती है थोड़ी हाइट पर ऐसे मसूरी के रास्ते में. तो वहां पर ना एक प्रॉपर्टी है, सो रवि भाई है उनकी तथास्तु करके एक रिजॉर्ट है. तो वहां मैं जाने वाला हूँ और यार वहां से देखते हैं कहीं और आगे क्या जाते हैं, क्या करते हैं. अभी कुछ आइडिया नहीं है, कल रात को जाना था लेकिन अभी सुबह जो है जा रहे हैं और 10:30 का टाइम हो चला है. तो यस, आई एम ऑल सेट टू गो. चलते हैं फिर, लेट्स गो. हाँ जी, तो फुल एडवेंचर राइड ड्राइव करते हुए जो है वो पहुंच गए हैं. और ये जो प्रॉपर्टी है ना, ये है तथास्तु नाम से और बहुत सही है. ये हाथी पांव से आगे चलकर ये है और मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा ना. ये इस तरीके से यहाँ पर ऐसे कॉटेजेस वगैरह हैं. नजारा बहुत से, और यार ये देखो फुल एडवेंचर के लिए तो भाई पहुंच गए हैं यहाँ और लंच हो गया है. बढ़िया. तो अभी ऐसा है कि घूम रहे हैं थोड़ा सा यहाँ, प्रॉपर्टी एक्सप्लोर करवा रहे हैं. अपने रवि भाई चल रहे हैं आगे आगे. हम भाई क्या हाल है? बढ़िया बढ़िया. और यहाँ कुछ और भाई लोग भी हैं, थोड़ा नाम वाम बता देंगे तो. हाय, दिस इज विकास तोमर. विकास तोमर फ्रॉम दुबई, जस्ट टू सी दिस लोकेशन हियर. क्या बात है. संदीप अच्छा, एनसीआर से? Yes. छोरे एनसीआर वाले दिल्ली से हैं. दिल्ली से है पैंट कोट. हाँ जी, मायसेल्फ दीप्त्यमन, मैं हैदराबाद से आया हूँ फिलहाल तो. अच्छा, मैं हूँ तो बंगाली. अच्छा, ट्रैवल इज इन आवर ब्लड. अरे वाह वाह वाह, म्यूजिक है आपके ब्लड में तो बंगाल के तो. खाली म्यूजिक से क्या होगा, थोड़ा मूवी तो मीठा होना चाहिए. सही बात है. और वो आप देख रहे हो वो ग्लैम्पिंग के लिए जो है काम चल रहा है. ये फाइबर इंसुलेशन है ना, बीच में डाला है ना थोड़ा सा. ये भी रूट है. पहला किसान के बच्चे हैं. ये सब डल जाएगा अपना, मतलब दिस विल गेट कवर्ड प्रॉपर्ली. ग्रेनाइट ग्रेनाइट डाल के. यू गेट योर हॉट वाटर, यू गेट योर तो भाई ऐसा है, अब जा रहे हैं भद्राज टेम्पल. बहुत समय से मेरा मन था जाने का और कई बार प्लान बने कैंसिल हो गए. आज का ये दिन निर्धारित था. तो अभी फाइनली भाई लोग सब अपने जो है ये सब साथ चल रहे हैं. हम भद्राज जा रहे. और ये भी ए सुल्तान. तो ये भी चल रहा है. चल रहे हैं. ये बैग पकड़ लिया, पानी है इसमें. अभी आई गेस हाफ वे भी नहीं आए होंगे. हवा बहुत सही चल रही है, धूप बढ़िया हो रही है. ये रास्ते पे चल रहे हैं, हम वहाँ से आए थे उधर से. रास्ता वहाँ से जा रहा है लेकिन हम यहाँ से जाएंगे क्योंकि खड़ा बाल है अपने में.
ये एक पॉइंट है, ये मैगी पॉइंट, यहाँ पर इसका नाम है हम्प्टी कैंपिंग स्टे कंफर्ट स्टे। तो यहाँ पर जो है चाय कॉफ़ी वगैरह, और यहाँ पर ये कैंपिंग भी कराते हैं, है ना। ये आप देखोगे तो यहाँ से वैसे तो अभी धुंधला हो रहा है, धुंध हो रही है, अदरवाइज आपको स्नो पीक्स दिख जाती हैं यहाँ से। तो ये सब यहाँ पर चलता है। और फाइनली हमें दिख गया है भद्राज मंदिर, वो देखिए वो वाइट दिख रहा है ना वो। सो यस, यहाँ पहुँच गए हैं। यहाँ से जो नज़ारा दिख रहा है ये देखो, ये देखिए नज़ारा, पहुँच गए हैं। और फाइनली भद्राज मंदिर पहुंच गए हैं। श्रद्धा थी, मन में सोचा था, भाई लोगों से बोला था, एक आवाज़ में सब तैयार चल दिए जी। तो ये मंदिर में पहुंच गए, ये हमारा मंदिर। जय हो भद्राज देवता। हाँ जी, ये द्वापर युग से चलता आ रहा है, बीच में है, बीच में सिद्धपीठ है, ये खुद उत्पन्न हुई थी मूर्ति, ये कृष्णा गौतरित है। हाँ जी, और ये इनके और ध्यान मुद्रा में ये नंदू महाराज जी मुद्रा, हमारे नंदू महाराज के नाम से फेमस थे ये। हाँ जी, नंदू महाराज जी को जब खुदाई करने यमुना के किनारे गए थे तो उनको गर्भगृह से आवाज आई थी, जमीन के नीचे से, मतलब वहाँ से आवाज आई थी कि मुझे यहाँ से बाहर निकालो, तो ये वाली मूर्ति उत्पन्न हुई थी। तो उन्होंने बोला था कि आप मुझे पूरब की ओर लेकर जाएं, जहाँ पे मैं आपको सबसे बाहरी लगूं वहाँ पे आप मेरा स्थान बनाएं। तो ये वहाँ से इधर से यमुना नदी इसके यहाँ से किनारे से हो रही है, जा रही है। आप नीचे देखेंगे जब इनको यहाँ पे मोटोगी गाँव पड़ता है, अगर आप इस रास्ते से आएंगे गाँव मोटोगी पड़ता है, वहाँ पे इनको प्यास लगी थी। उन्होंने महाराज जी को बोला था कि मुझे प्यास लगी है, वहाँ तो कुछ भी नहीं है। उन्होंने बोला कि आप मुझे यहाँ पे उतार दो, आप नीचे चले जाओ, पानी आ रहा है, वो पानी आज भी वहाँ पे है, उसको कोई अपवित्र नहीं कर सकता है, कोई मीठा नहीं कर सकता है, वो पानी ना ही घटता है ना ही बढ़ता है। अच्छा, आज भी उसकी मान्यता ऐसी है और वो पानी सदा बाहर रहता है। अच्छा, ठीक है। और उसके बाद फिर वो यहाँ आए तो यहाँ उनको काफ़ी पहाड़ी लगी, फिर यहाँ पे उन्होंने उनका स्थान बनाया, फिर वो एक सेवक के तौर पर यहाँ पर ही स्थापित हो गए नंदू महाराज जी। अच्छा, बहुत सुंदर। कितना मतलब साल पुराना ये इतिहास होगा? द्वापर युग से ही मान के चलो आपके, जब से ही नया 18 समथिंग कुछ था। यहाँ पे पद स्टोन है यहाँ पे, जिसके चारों तरफ से वो लिखा हुआ है। हाँ जी, तो उस पर भी कुछ लिखा हुआ है, कोई लेडीहुड करके कोई लेडीज आई थी। हाँ जी, अंग्रेज ने ये मूर्ति खंडित की। अच्छा, तो उसको ढूंढने ही उसकी लेडीज आई थी, उसकी आकाशीय बिजली के दौरान उसकी मौत हो गई थी जिस अंग्रेज की। तो उसकी लेडीज जब उसकी वाइफ जब उसको ढूंढने आई थी यहाँ पर, तो वो यहाँ पे इस पत्थर पर कुछ लिख कर गई है। वो क्या लिख कर गई है किसी के समझ से पड़े? अच्छा, किसी लैंग्वेज में कौन से में नहीं है। भद्राज जी का मतलब था भद्राज, कल्याण करने वाला राजा, इसलिए आम जो लोग हैं उनको भद्राज जी ही कहते हैं, वैसे बलराम जी की प्रतिमा है। भाई मैं सच बताऊं, इतना अच्छा यहाँ पर लग रहा है, इतना
सुकून, इतनी शांति, इतना पीसफुल यहाँ पर है ना, हवा चल रही है, धूप भी लग रही है, तो वो ठंडा गर्म दोनों ही एहसास है, और इतना खूबसूरत, मैं क्या ही बताऊँ, इनएक्सप्लिकेबल फीलिंग है, बहुत अच्छा फील हो रहा है। तो मैं जब भी पहाड़ों में आता ना, मुझे ऐसा लगता है मैं यहीं के लिए, पहाड़ों के लिए ही बना हूँ, आई एम अ माउंटेन मैन ट्रूली। तो चलिए इस फीलिंग में थोड़ा और अपने अंदर भरते हैं। प्रसाद आया है हमारे पास, देखिए, वाह 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 वाह, जय भद्राज देवता, जय हो जय हो जय। वो देखिए, ये जो आपको दिख रहा लाइन, वो विंटर लाइन कहलाता है, और ये कॉन्सेप्ट आपको मसूरी में इधर की तरफ दिखेगा, और जैसे जैसे सनसेट होता जाएगा ये विंटर लाइन और एकदम ऑरेंज कलर का हो जाएगा, क्लियर, यस, पूरा क्लियर होता जाएगा, वो दिखता जाएगा एकदम। इतना सुंदर ये फेनोमेनन है, नेचर, नेचुरल फेनोमेनन। सो बात ऐसी है कि अब जा रहे हैं यहाँ से वापस, और मज़ा आ गया बहुत ज़्यादा, और अभी सनसेट हो रहा है यहाँ पर, आप एक बार देख लो यार, ये गोल्डन आवर जिसे कहते हैं ना, ये वो मोमेंट है। जब अपन प्रोग्रामिंग करेंगे ना, ये देखिए, ये हमारे साथ में आए, ये ऐसे कचरा जो है साथ में बीनते हुए जा रहे हैं, है ना, कचरा फेंक रहे लोग, इतना मत फेंको एटलीस्ट। हाँ, ऑल राइट, सो अभी जो है हम वापस जा रहे हैं, अंधेरा हो चुका है, मैगी वैगी खा रहे थे, और नाइट ट्रैकिंग एब्सोल्युटली चल रही है। ये इधर से भी अपने भाई लोग जो है वो, अरे हाँ जी, फुल मौज। तो बस ये ऐसे रात में चल रहे हैं, और ये फ्लैश मुंह पे पड़ रहा है, रास्ते पे नहीं तो मुझे दिख नहीं रहा, अंदाजे से चल रहा हूँ। ये देखो, ये आपका जंगल है, घनोर, एकदम घनघोर, ठीक है, आप जंगल के बीच में हैं, यहाँ पर कोई भी जंगली जानवर, कामना कर रहे हैं कि मंगल ना हो। हाँ, अच्छा वैसे ये भी जो भैया हमें लेकर आए थे मुझे यहाँ पर, उन भैया ने बताया कि इस जंगल में जो है, इन जंगलों में, पहाड़ों में, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने दो बाघ छोड़े हैं, दो बाघ छोड़े हैं, दो बाघ पहले ही थे, लेपर्ड तो होते ही हैं, लेपर्ड, दो बाघ यहाँ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने छोड़े हैं। ये भैया ने क्या, कौन भैया लेने आए थे, भैया का नाम क्या था जो मुझे लेने आए थे, चित्र मोहन भैया ने बताया कि फॉरेस्ट वालों ने इन जंगलों में दो बाघ छोड़े। तो अमर सर मजे आ रहे हैं बिंदास नाइट ट्रैकिंग में, सोचा था जीवन में एडवेंचर ही है, नहीं ये तो सोचा था, लेकिन ये सोचा था इन साथियों के साथ होगा। हाँ, ये जो है लाइफ में, आप कब किसके साथ चलेंगे, कितना चलेंगे, ये किसी को नहीं पता होता, दैट इज द ब्यूटी ऑफ लाइफ। और मुझे लिटरली आगे रास्ता नहीं दिख रहा है, तो मैं ऐसे करके बात करूंगा, ये फुल जंगल कहां, यहीं पे वो डाक पत्थर के पास, ओके, हैज टू कम एवरी टाइम टू डाक पत्थर, और फिर कालसी और इधर विकास नगर वीरभद्र ऋषिकेश के पास, एक फूफा जी इरीगेशन में से, वो डाक पत्थर, उनके डैम जाते, शिवरो डैम जाते थे, और एक वहाँ पे उनका गेस्ट हाउस है बहुत बढ़िया, क्या नाम है, कालसी नहीं, डाक पत्थर के पास ही है ना, बहुत बिल्कुल हिल टॉप पे है, हिमालय पुकारता एक होके हम चले, देश के विकास में एक होके हम चले, खंड खंड मत कहो उत्तराखंड सब कहो, जुल्मियों के जुल्म को मत सहो रे मत सहो, जुल्मियों के जुल्म को मत सहो रे मत सहो। क्या बात है, ओए Goosebumps. तो अभी ये प्रॉपर्टी पर वापस आ गए ट्रैक करके, बहुत मज़ेदार, थोड़ा टायरिंग ठीक है, लेकिन बहुत मज़ेदार। अभी ये जो कॉटेज है ना जहाँ मैं रुका हूँ, ये दिखाता हूँ, ये एंट्री हो गई है, और ये देखिए आप, ये एक सेटिंग के लिए काउच टाइप हो गया, ये आपका लग्जूरियस टेंट हो गया, ठीक है जी, ये कपड़ों के लिए फैसिलिटीज सारी आपको यहाँ मिल जाएंगी, ये आपका वॉशरूम हो गया, वॉशरूम भी देखिए मैसिव, ठीक है, ये पूरा आपका इस तरीके से
वॉशरूम है, एक ग्लास पैनल लगे हुए, शानदार, पूरा एकदम लग्जरी फील आपको जो है यहाँ आने वाली है। इस तरीके से ये है। डिनर चल रहा है फाइनली, भूख लग रही थी सबको। सब्जी, पनीर, रोटी, यहाँ एक और सब्जी थी आलू वाली, वो खा ली है भाई, लोग सब बैठे हुए। हाउस फूड? हाँ जी, घर जैसे। ग्रेट, एकदम घर जैसा। एकदम घर जैसा। किसके घर जैसा? अपने घर। जरूरी है ये बताना किसके घर जैसा स्वाद है, एक्स के घर जैसा। तो खाना खाते हैं। तो जी, आज का दिन होता है खत्म और ये व्लॉग को भी खत्म करते हैं। अच्छा, सो आपने व्लॉग एंजॉय किया, सो आपने एंजॉय किया तो लाइक करना, कमेंट करना, वीडियो को शेयर करना, और ये बहुत प्यारी मुझे प्रॉपर्टी लगी तथास्तु, आप यहाँ पर आ सकते हैं। और बाकी बस ऐसी ही मज़ेदार व्लॉग्स जो है आप तक पहुँचाता रहूँगा। गौरव भट्ट मेरा नाम। थैंक यू फॉर बीइंग अ लवली सब्सक्राइबर, और अभी तक नहीं किया सब्सक्राइब तो कर लेना, ठीक है? ओके, ठंडा बहुत ज़्यादा हो रहा है तो अभी सोते हैं। गुड नाइट एंड गुड बाय।